गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माई सेल्फ जुनैद अहमद एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर फर्स्ट बिजनेस स्टडीज रिगार्डिंग द इकोनॉमिक ड्यूटीज. कल बेटा हमने बात की थी ह्यूमन एक्टिविटीज की. ह्यूमन एक्टिविटीज टू टाइप्स की हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर. पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है? दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी. इस डेफिनेशन के वर्ड को जो यूज किया गया वो कॉम्पैक्ट मेथड से यूज किया गया, लेकिन इसका जो मींस है वो बहुत वाइड स्प्रेड है. कहा गया कि वो एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय द पीपल, कि वो एक्टिविटीज जो की जाती हैं, परफॉर्म की जाती हैं ह्यूमन बीइंग यानी पीपल्स के थ्रू विद द ऑब्जेक्ट ऑफ, जिसके अंदर एम क्या होता है, ऑब्जेक्ट एम होता है ऑफ अर्निंग मनी, पैसा कमाना. मैंने आपको कल बताया था बेटा कि अर्निंग मनी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के अंदर होती है, डिफरेंट फॉर्म्स में होती है. सैलरी के रूप में लेना वो भी आपकी अर्निंग मनी है, वेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना वो भी आपकी अर्निंग मनी है, प्रॉफिट का अर्न करना ये भी आपकी एक इनफॉर्म ऑफ अर्निंग मनी है. तो यहां पर मैंने आपसे बताया कि मींस बहुत वाइड है लेकिन वर्ड का यूज जो है वो बहुत कॉम्पैक्ट है. बताया गया कि बाय द पीपल विद द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मींस द एम द मोटिव द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी, पैसा कमाना है. एक बिजनेसमैन भी पैसा कमाता है, एक प्रोफेशनल पर्सन भी पैसा कमाता है. तो यहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की गई वो एक्टिविटीज जो पीपल्स के थ्रू की जाती है और उसमें एम उनका पैसा कमाना होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं. और अब आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि मैंने यहां पर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, गुड्स सामान का प्रोडक्शन कराना और डिस्ट्रीब्यूशन यानी मार्केट के अंदर उसे अवेलेबल कराना, या फिर प्रैक्टिसिंग एज ए डॉक्टर एंड अ लॉयर, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशनलिस्ट जो अपने सर्टेन फील्ड के अंदर वर्किंग कर रहा है और उससे अपनी मनी अर्न कर रहा है, वो भी एक टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं. क्यों? यहां पर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बिजनेस रिलेट है, क्योंकि तो बिजनेस के अंदर भी प्रोडक्शन करने के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, सेल करने के बाद, परचेज करने के बाद एम क्या होता है, ओनली टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट विद द मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद द लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. मैंने आपको बताया कि ये जो कंसर्न है ये बिजनेस कॉन्सेप्ट का है. और प्रैक्टिसिंग एज ए लॉयर और डॉक्टर और टीचर एटसेट्रा, That part concerned with the concept of profession. Medical, जिसकी field के अंदर doctor work करता है वो एक profession है. Lawyer work करता है law field के अंदर वो भी एक profession है. Teacher education field के अंदर work करता है वो भी एक profession है. तीनों persons का aim उस professional फील्ड से इनकम कमाना है, सैलरी कमाना है, ये भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी समझ में आ गई, वो एक्टिविटीज जो कि पैसा कमाने के लिए ही की जाती हो,
चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गुड्स का, प्रोडक्शन हो गुड्स का, या हम कहीं पर प्रोफेशन फील्ड के अंदर कोई अपना काम कर रहे हो, डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा हो, लॉयर अपनी प्रैक्टिस कर रहा हो, टीचर जो है वो स्कूल्स के अंदर टीचिंग दे रहा हो, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है और उसके प्लेस में उन्हें मनी अवेलेबल हो रही हो। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज का टाइप्स, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। मैंने आपसे बताया यहां पर कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स रिलेट्स द बिजनेस। एग्जाम्पल मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया आपको कि मैं इसको यहां पर इंटरकनेक्ट कर सकूं, इंटरलिंकिंग कर सकूं कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स रिलेट्स द बिजनेस एंड बिजनेस इज आल्सो ए कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देन द सेकंड, प्रैक्टिसिंग एज लॉयर एंड डॉक्टर रिलेट टू द प्रोफेशन। डॉक्टर का, लॉयर का, टीचर का, ये प्रोफेशन है। ये थ्री टाइप, सेकंड टाइप है आपकी कैटेगरी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, क्योंकि बिजनेस जो किया जाता है वो भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है और प्रोफेशन जो किया जाता है वो भी अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। इस एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी जो है वो लेबरर्स के लिए रखी गई है, वर्कर्स के लिए रखी गई है। बिजनेस स्टडी में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, और लोअर लेवल के बाद जो आते हैं वो वर्कर्स आते हैं। क्यों? क्योंकि वो वर्कर्स जो हैं वो हमारे प्रोडक्शन को फुलफिल कराते हैं, उनकी एक्टिविटीज को पूरा करते हैं, जिससे वो मार्केट में जाकर गुड्स जो है फिनिश गुड्स में चेंज होकर और वो मार्केट में जाकर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और उसकी फिर सेल हो जाए और हम उससे प्रॉफिट अर्न कर लें। तो एम्प्लॉयमेंट भी एक पार्ट है, एक कैटेगरी है किसका, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। आप हैं, आप खेत में जाकर काम करते हैं, आप वहां से मजदूरी लेते हैं। एक पर्सन है वो किसी फैक्ट्री में जाकर वर्क के रूप में काम करता है, वहां से वेजेस लेता है, चाहे वो वेजेस पर डे हो या फिर आर्स के अंदर हो या पीस बेस सिस्टम से हो, ये उनका अपना एक क्राइटेरिया है। द देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं बिजनेस को। हम तीनों कैटेगरी में से सबसे पहली कैटेगरी जो है वो बिजनेस को लेते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आखिर बिजनेस होता क्या है? बिजनेस एक सिंपल और इजीएस्ट वर्ड है जिसको हम हजारों बार पढ़ते भी हैं, अपनी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बोलते भी हैं और हर एक इंसान उसको जानता है बिजनेस के बारे में। लेकिन बिजनेस एग्जैक्टली होता क्या है? इट रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उन्होंने कहा है कि बिजनेस को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है विच आर जो के कनेक्टेड विद प्रोडक्शन। बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका संबंध, विच आर कनेक्टेड, जिसका संबंध विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स से है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स इन द मार्केट से है, सेल, उसके बाद जो मार्केट में अवेलेबल हो गया अब रिटेलर जो है वो अपने कस्टमर को सब बेचेगा, एंड द परचेज। परचेज में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? दो टाइप का है पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो होलसेलर जब रिटेलर को बेचता है तो होलसेलर क्या हो गया? सेलर हो गया। और रिटेलर जो है वो उस टाइम इन फॉर्म ऑफ परचेजर वर्क कर रहा है, क्योंकि वो खरीद कर ला रहा है और उसे फिर वो कस्टमर को बेचेगा। तो उस टाइम उसका एम क्या है? उसे खरीदना और खरीद के प्रॉफिट के साथ उसे अपने कस्टमर को बेच देना द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बताया गया कि एम वही है
आप एक्टिविटी कोई भी कर रहे हो, चाहे आप क्या कहना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रैक्टिसिंग कर रहे हो, एम वही रहेगा। तो यहां बिजनेस के अंदर कहा गया कि बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस के अंदर वो एक्टिविटीज इन्वॉल्व की जाती हैं, उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है जो कि संबंध रखती हैं प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, सेल से और आपके परचेज से गुड्स के, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यहां पर मैंने वर्ड जो यूज नहीं किया वो मनी का यूज नहीं किया, किसका यूज किया है? प्रॉफिट। किस लिए यूज किया है? वो इसलिए यूज किया है कि मैन्युफैक्चर जो है, जब वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, रिटेलर उसे क्या कहना चाहिए सेल करता है, तो वहां सब कुछ सेल होने के बाद उसकी जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो लेता ही है वापस कस्टमर से, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो चार्ज करता है वो एज ए प्रॉफिट चार्ज करता है। तो ऑल द एक्सपेंसेस डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल मनी विच दैट पर्सन हैव रिसीव्ड एंड रेस्ट ऑफ द मनी आफ्टर डिडक्शन इज नोन एज प्रॉफिट। टोटल मनी तो उसको सेल करने के बाद मिलती ही है, लेकिन वो मनी प्लस हुई भी होती है प्रॉफिट की। तो इसलिए मैंने यहां पर मनी का वर्ड यूज न करके प्रॉफिट का वर्ड यूज किया है। यहां पर बताया गया कि बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सेल एंड परचेज विद ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज और द एम ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट। बेटा मैंने आपको यहां पर जो कल डिस्कस किया था इस चैप्टर के बारे में, ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में, बिजनेस के कॉन्सेप्ट के बारे में और इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज के अंदर दो एक्टिविटी मैंने आपको पहले बताई थी कल भी और आज बता रहा हूं कि ह्यूमन एक्टिविटी टू टाइप्स की होती है। पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और दूसरा नॉन इकोनॉमिक है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड और अंडरटेकन बाय द पीपल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी, लोगों के द्वारा की जाती है, उनका एम अब पैसा कमाना होता है। उसके एग्जांपल्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए, उसके टाइप्स डिस्कस किए, थ्री कैटेगरीज हैं इसकी और थ्री में से फर्स्ट कैटेगरी बिजनेस जो है वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की। थैंक यू।